सुप्रभात बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जो आपको तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड का अंश राम परशुराम संवाद जो पढ़ाया था, उसका भावार्थ आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा। और मैंने उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी आपको दिए थे जो आप लोगों ने कर लिए। बच्चों, मैंने आपको प्रश्न दिया था, लक्ष्मण ने किस शैली में परशुराम को उत्तर दिया। उत्तर था व्यंगात्मक शैली। अब अगला भाग पढ़ेंगे। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभु जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। इस पद में लक्ष्मण हंसते हुए परशुराम जी से कहते हैं, हे देव, सुनिए, हमारी जानकारी में तो सब धनुष एक समान है, का क्षति लाभु जुन धनु तोरे, और इस धनुष के से टूटने से क्या लाभ और हानि है। देखा राम नयन के भोरे, राम ने इस नए धनुष को जैसे ही देखा और वह छूते ही यह टूट गया। छुवत टूट रघुपति ही ना दोसु, रघुपति जो राम है उनके छूते ही यह धनुष टूट गया। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, कह रहे हैं कि मुनि जी, यह धनुष तो छूते ही यह टूट गया और इसमें राम का कोई दोष नहीं है, इसलिए आप क्यों क्रोधित हो रहे हैं। बोले चितै परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुबाहु न मोरा। और इस प्रकार से परशुराम लक्ष्मण के व्यंग वचन सुनकर अपने फरसे को देखते हुए वे बोलते हैं, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। और वह कहते हैं कि तुम मुझे एक नाम मात्र का मुनि समझ रहे हो। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बचपन से ही मैं ब्रह्मचारी हूँ, ये पूरा संसार या क्षत्रिय कुल मेरा द्रोही है, मेरा शत्रु है। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्हे, और मैंने पूरी धरती में जितने भी राजा हैं, मैंने अपनी बाहुबल से सभी राजाओं को जीत लिया है। विपुल बार मही देव नहीं दिनही, और मैंने जीत कर ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। सहस बाहु भुज छेद निहारी, और मैं अपने बाहुबल की भुजाओं को से क्या है कि काट डाला था। परसु बिलुक महिप कुमारा, और इस प्रकार से मैंने अपने फरसे से की और देखकर भुजाओं को काट डाला। मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष किशोर, अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तुम अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, गर्भ में जो पल रहे बच्चे हैं का नाश मेरा फरसा कर डालता है। बच्चों, मैं आपको इस पद से कुछ प्रश्न पूछना चाह रही हूँ और आप उनका उत्तर देंगे। परशुराम ने लक्ष्मण को धमकाते हुए क्या कहा? दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मण ने हंसकर क्या कहा? और तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मण ने परशुराम से क्या कहा? मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको अच्छी तरह से इस पद का भावार्थ समझ में आ गया होगा और
आप दिए गए प्रश्नों का उत्तर करें। धन्यवाद।